अगर आप लोग भी इंस्टेंट ब्राइटनिंग, व्हाइटनिंग और स्पॉटलेस स्किन चाहते हैं और आप लोग ग्लोइंग स्किन चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों ने पूरी देखनी है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक ऐसे वायरल मास्क का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ जो कि जिसकी बहुत ज्यादा हाइप है, इवन के सलॉन्स में भी इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है ब्राइटनिंग के लिए। तो आप देख सकते हैं कि इसके बड़े शशके हैं और इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं, ये छोटे छोटे जर्रे हैं अभी, ये पाउडर फॉर्म में कह सकते हैं आप इसको। अच्छा, मैंने साशे पैक मंगवाया था इसका, एक साशे एक फेस के लिए एक वक्त में बहुत होता है, यानी कि पूरा का पूरा आपने बनाना होता है। अच्छा, इसको बनाने का तरीका सबसे पहले सीख लें। मैं यहाँ पर अरके गुलाब का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप लोगों की स्किन ड्राई है तो आप लोग मिल्क का यूज भी कर सकते हैं, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो इसके अंदर आप रोज वाटर ऐड करें। जैसे कि मेरी ऑयली स्किन है, मैं रोज वाटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। दो ढक्कन रोज वाटर डाल के देखा, थोड़ा लगा, फिर मैंने और डाल लिया, मतलब थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों ने इसको डालना है। तो बनाने का तरीका जो है ना, पहले सीख लें। अगर बनाने का तरीका गलत हुआ तो फिर मास्क ठीक नहीं बनेगा, फिर ना कहना कि रिजल्ट अच्छे नहीं आए। ठीक है जनाब। अच्छा, इसमें ना सलॉन्स में बहुत सारी और चीजें मजीद यूज की जाती है, जैसे शशकों के लिए इवियॉन के कैप्सूल एड कर दिए जाते हैं, वाइटामिन ई के कैप्सूल, या कोई सीरम एड किया जा सकता है। आप इसमें कोई ब्राइटनिंग सीरम जो आप यूज करते हैं वो भी इसमें मिक्स कर सकते हैं। इसमें आप स्किन को आपकी जो भी चीज सूट करती है, ग्लिसरीन सूट करती है, आप वो भी डाल सकते हैं। इसमें बड़ी चीजें डाल डूल के ना आप यानी कि एक अच्छा सा फेस मास्क बना सकते हैं। अब मैंने बना लिया है, अभी देख लें अभी कितनी गंदी सी इसकी वियर्ड सी कंसिस्टेंसी लग रही है। अभी भी काफी ज्यादा थिक है और अभी मुझे लगेगा कि ये फेस पे अप्लाई नहीं हो पा रहा है। इसमें मैं फिर से थोड़ा सा, अच्छा इसकी कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से थिन कर सकते हैं। इसमें जितना पानी डालेंगे, मैंने तो रोज वाटर ऐड किया, आप पानी से भी बना सकते हैं, तो जितना पानी डालेंगे उतना जो है ये पानी को जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा थिन हो जाएगा कंसिस्टेंसी। तो मुझे लग रहा था कि अभी भी थिक है काफी ज्यादा, इतनी मोटी लेयर मैंने फेस पे अप्लाई की तो मेरे पूरे फेस पे पूरा ही नहीं आएगा। तो पूरे फेस की राउंड शेप जितना मैंने इसको बनाना है, अभी देखो फिश बन गई अजीब सी। तो मैं इसमें एक ढक्कन और जो है ना वो रोज वाटर ऐड कर दूंगी। तो शशके तो हमने भी पूरे करने हैं ना, यानी कि पूरे फेस पे जैसे अप्लाई होता है। अच्छा, मैंने बहुत सारी वीडियोस में देखा हुआ है, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इसको अप्लाई करना बहुत डिफिकल्ट होता है, जबकि सलॉन्स वाले इसको आपके फेस पे ऐसे पूरी रोटी की तरह हम गोल चिपका देते हैं और फिर आंखों में सुराख कर देते हैं, नाक में सुराख कर देते हैं, यानी कि जहाँ से आपने सांस लेनी है, और लिप्स के अराउंड भी एक वो बना देते हैं, सुराख कर देते हैं। तो यार मैं बड़ी एक्साइटेड थी इसको यूज करने के लिए। एक तो ऐसी वियर्ड वियर्ड चीजें, तो मुझे वैसे बड़ा मजा आता है यूज करने का, और मैं आप लोगों के साथ रिव्यूज शेयर करती हूँ, आप लोगों को भी काफी ज्यादा पसंद आते हैं। और तो मैंने कहा चलें जी फिर इसको ट्राई करते हैं। अभी मैंने इसको फोरहेड पे अप्लाई किया, आंखों में सुराख कर ली है मैंने, और ताकि मुझे कुछ दिखाई तो दे सके। अच्छा, मैंने ना इसकी बड़ी अजीब सी शेप बना ली है, मतलब कहीं से पतला कहीं से मोटा। अगर आप इसको पूरा ना एक गोल इक्वल शेप का बना लें ना, जैसे रोटी बनाते हैं हाथों में बना लें पहले और उसके बाद फिर आप इसको अप्लाई करें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मैं पहली बार अप्लाई कर रही थी। तो मेरे से जो गलती हुई वो मैं आपके साथ करूं। आप जब बनाएंगे तो आप इसको तरीके से बनाना जैसे बनाया जाता है, जैसे सलॉन्स वाले बनाते हैं, उनको तो प्रैक्टिस होती है। खैर, अच्छा ये मेरे कहीं कहीं पे देखो नहीं आ रहा नजर, कहीं कहीं पे खाली खाली सुराख हो गए हैं, तो मैं अभी जुगाड़ लगाऊंगी और मैं इसको पूरा इवन करूंगी, ताकि यार मुझे इवन रिजल्ट मिले। ऐसा ना ना हो मेरे आधा फेस चिट्टा गोरा हो जाए और आधा फेस जो है वो काला का काला ही रह जाए। तो मैंने अपना पूरा फेस इवनली जो है ना गोरा चिट्टा करना है। तो मुझे कैसे रिजल्ट्स मिले थे एंड में जरूर देखना आप लोग। अच्छा, जहां जहां पे मेरे नहीं ना पूरा आ रहा था, मैंने नीचे चिन पे मेरा बहुत ज्यादा मोटा मोटा लग रहा था मुझे, मैंने चिन से उतार के जो है ना चीक्स के ऊपर पूरा कर लिया, नोज के ऊपर पूरा कर लिया, मैंने बस जुगाड़ लगा के इसको पूरा कर ही लिया। आखिर फोरहेड पे भी मुझे देखो हल्का हल्का सा कम लग रहा है, मैं वहां पे भी कंप्लीट करूंगी। तो बहरहाल मैंने ना इसको पूरा फेस के ऊपर जो है वो प्रॉपर तरीके से अप्लाई कर लिया है, अब आप देख सकते हो। अच्छा, इसको आपने कितनी देर के लिए रखना है, मेन चीज ये है, आपने इसको 15 से 20 मिनट के लिए फेस पे लगा के छोड़ना है। मैं बता रही हूँ कि एटलीस्ट 20 मिनट्स आप इसको रखें और उसके बाद जो है ना फिर इसको वॉश करें। अभी देखें, मैं बाहर आ गई हूँ और मैं आपको डराने की कोशिश कर रही हूँ, बहुत वियर्ड और बहुत गंदा लग रहा होता है ये। अभी मैं फेस अपना देख देख के खुद ही हैरान हो रही हूँ, मुझे अजीब सा लग रहा है, लेकिन मैं इंतजार कर रही हूँ यार कब 20 मिनट्स गुजरे और मैं कब इसको उतारूं। तो अच्छा, इसमें हाइलुरोनिक एसिड वाली जो है वो खसूसियात पाई जाती हैं, तो आपकी स्किन को एकदम प्लम्प कर देगा। अभी मैं इसको अप्लाई कर उतारती हूँ, 20 मिनट हो गए, एटलीस्ट 20 मिनट के बाद मैं इसको रिमूव करने वाली हूँ। और मैं इसको प्रॉपर तरीके से रिमूव करना चाहती थी, जैसे कि रिमूव किया जाता है पूरा, यानी कि मैं कहीं से कटा फटा नहीं चाहती थी, पूरा शीट मास्क की तरह शशकों की तरह उतारना चाहती थी, जैसे सलॉन्स में उतारा जाता है पूरा का पूरा एक साथ। तो ये बड़े आराम से उतर रहा था, सबसे अच्छी चीज़ इसकी ये है।
बड़े इजीली जैसे शीट मास्क रिमूव होता है वैसे ही रिमूव हो जाएगा। और जैसे जैसे मैं इसको रिमूव करती जा रही थी, आप देखते जाएं कि रिजल्ट्स जो है ना वो मुझे मिल रहे थे। मुझे एकदम अपनी स्किन जो है बहुत ब्राइट, टाइट, ग्लोइंग लग रही थी। लेकिन कोई भी शीट मास्क अगर आप अपने फेस पे यूज़ करें, इंस्टेंट तो रिजल्ट्स आपको ऐसे मिलेंगे ही, एकदम आपकी स्किन मॉइस्चर जो है ना वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है सारा का सारा, तो आपकी स्किन बेबी सॉफ्ट लगने लग जाती है। अच्छा, इसी से आपने अपने पूरे फेस को क्लीन कर लेना है जैसे कि वो लोग करते हैं, तो इंस्टेंट तो सारे मास्क रिजल्ट्स ऐसे ही देते हैं। अब असल चीज़ ये है कि अगर आफ्टर इसको यूज़ करने के बाद एक हफ्ता एटलीस्ट रिजल्ट्स रहे तो मैं कहूँगी कि ये बेस्ट है। लेकिन अगर अभी सिर्फ वक्ती है तो वक्ती तो कोई भी मास्क रिजल्ट दे सकता है। तो यार ये था इसका मेरा ऑनेस्ट रिव्यू, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। तो अभी देख लें, मुझे बहुत ज़्यादा अपनी स्किन टाइट भी फील हो रही है, ब्राइट भी फील हो रही है। अभी आप लोगों को रिजल्ट्स तो नज़र आ रहे होंगे, काफ़ी ब्राइटन अप हो गई थी स्किन मेरी और ग्लो भी आ गया था फेस के ऊपर, सॉफ्ट हो गई थी बहुत ज़्यादा, पोर्स काफ़ी ज़्यादा श्रिंक हो गए थे, जो कि हर फेस मास्क से आपको मिल सकते हैं रिजल्ट्स। तो अब मैं बताऊँगी आप लोगों को इंस्टा पे या फिर इसी वीडियो के नीचे पिन कर दूंगी कमेंट 2 से 3 दिन बाद कि मुझे 3 दिन तक ये रिजल्ट रहा या नहीं रहा। तो मेरी तरफ से अभी तक तो रिकमेंडेड है, 9 out of 10 इसको मैं दूंगी। और कमेंट्स करके लाजमी बताओ कि आप लोगों को इस मास्क के रिजल्ट्स कैसे लगे हैं, अच्छे लगे हैं या बुरे लगे हैं, जैसे भी लगे कॉमेंट्स में लाजमी बताना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, लाइक कर देना।